हेलो, आज हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसको भी हमने जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया था उसमें से उस क्वेश्चन को असेस किया है और बच्चों की क्या क्या अप्रोच थी उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम में, स्मार्ट वर्क से और इंटेलिजेंटली, और आउटपुट जो है मैक्सिमम कैसे हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन था, ए सेट 78 नंबर का क्वेश्चन था और कोड बी में 31 नंबर का क्वेश्चन था और कोड सी में 51 नंबर का क्वेश्चन था और कोड डी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। और ये तीन वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के कोमा -3 के, 5 कोमा के, माइनस के कोमा 2, और उसका एरिया जो है 28 है और उसका ऑर्थो सेंटर निकालना है और ये चारों ऑर्थो सेंटर में हैं और उस ऑर्थो सेंटर को पहचानना है कि वो ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो बच्चों, जो मैंने अप्रोच देखी, जो उन्होंने रफ वर्क के अंदर कम किया होता है, तो उसके अंदर ये तीनों वर्टिसेस के अंदर सबसे पहले वर्टिसेस हमें जो इस क्वेश्चन को कर रहा था, तो उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को क्या किया जो 10th क्लास में फार्मूला सीखता है, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, 1 1 1, इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर रहा था। तो जब वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, बीच में कहीं ना कहीं खो जाता है तो तेरा क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो जाता है। अब बच्चों, एक और बच्चा था जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था, कहता है सर ये क्वेश्चन जो है इस तरह के शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, X2 - X3, Y1 - Y3 और Y2 - Y3। ये जो X1 है आपका K है और Y1 आपका -3 K है, 5 है, और Y2 आपका K है, X3 - K है, Y2 क्या है, 2 है। बच्चों, जब भी हम IIT मेन या कोई भी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे एक रट्टा वेकेशन और एनालिटिकल दोनों साथ साथ चलते हैं तो वी कैन स्कोर मोर बेटर। तो अब बच्चों, यदि इस अप्रोच को लेके चलेंगे तो ऑब्वियस है इस अप्रोच में से यही अप्रोच निकली है। आप लोगों को मालूम है कि डिटर्मिनेंट जब हम 12th क्लास में करते हैं तो इस तरह का जब भी डिटर्मिनेंट होता था वो रिड्यूस होकर इस तरह कहीं ना कहीं आ जाता था। तो इसके अंदर इन चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। यदि मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, X1 - X3 है, इधर X2 - X3 आ जाएगा, इधर Y1 - Y3 और Y2 - Y3। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो मेन डायगोनल रहता है सेम रहता है। तो दिस अप्रोच इज मच बेटर देन दिस वन, क्योंकि इसमें लेंथी पड़ेगा थोड़ा। एक अप्रोच और होती है जिसे हम सोरस रूल कहते हैं, उसके अंदर हाफ तो बाहर आता ही आता है, X1 X2 X3, और यहाँ पर तीनों वर्टिसेस लिख दिए जाते हैं और उसके बाद पहले वाले वर्टिसेस को रिपीट कर दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो बेटर। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो X1 Y2 पॉजिटिव, X2 Y3 पॉजिटिव, X3 Y1 पॉजिटिव, और जब हम ऊपर जाते हैं तो ये वाली जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें से माइनस हो जाते हैं, तो इस तरह हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अब आप बच्चों ने असेस करना है, इस वीडियो को देख रहे हो, तो तीनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है। तो जिस अप्रोच इज मच बेटर, ये वाली जो अप्रोच है इसके अंदर बच्चा थोड़ी सी गलती कर सकता है माइनस वगैरह करने में, बाकी ये अप्रोच तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लगती है मुझे, सोरस रूल वाली। तो इस तरह आप सबसे पहले उस के को निकाल सकते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले इस के को मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये हाफ है X1 - X3, तो ये K+K, इज इट क्लियर। ये X1 था, ये Y1 था, ये X2 था, ये Y2 था, ये X3 था, ये Y3 था। अब X2 - ये आपका अब हो गया जी, ये X1 - X3, और अब इधर हम ले लेते हैं 5+K, और इधर -2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि Y3 - 1 है, ये -3K हो गया और ये हो गया K - 2। अब बच्चों, इस छोटे डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो ये आपका बन गया 2K, तो ये हाफ, तो ये आ गया 2K - K - 2, और उसके बाद इसके अंदर इसको मैं प्लस कर देता हूँ, 3K+2 - 5+K, और एरिया जो है बच्चों कभी भी जब लेते हैं तो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो एक बार +28 लेना है और एक बार -28 लेना है, एक को नहीं लेके चलना। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2K² - 4K,
प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 15k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2k। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये 2 उधर चला गया, तो ये आपका प्लस माइनस 56 हो गया। तो 2k दिस इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो ये आपका 11k आ गया और ये आपका 13k आ गया। और इसके अंदर से प्लस 56 को इधर लाया तो माइनस 46 हो गया। तो माइनस वाला यदि मैं इधर लाता तो वो प्लस हो जाता और इधर प्लस आ जाता तो आपको ये मालूम है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो आ जाता, तो वो रूट्स रियल ना आते। तो इधर तो हमें इंटीजर्स चाहिए थे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर एक 2 आ जाएगी और एक -23/5 आ जाएगी। तो इसमें से ये वाली वैल्यू जो है हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, तो k इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। तो हाफ ऑफ वार इज विनाइंग, यदि आपने k की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपकी पहली अप्रोच थी जिसमें k की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, बट थर्ड वन जो सोरस रूल है डेट इज मोर बेटर। तो अब ये ट्रेंगल के हमारे पास वर्टिसिस आ चुके हैं 2-6 5.2 और -2.2। अब बच्चों जो उस पेपर में मैंने चेक किया बच्चों का जो बहुत सारी अप्रोचेस थी उसके अंदर ऑर्थो सेंटर पूछा गया था कि ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो अब आप लोगों को मालूम है कि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तीनों ट्रेंगल के तीनों वर्टिसिस से जो परपेंडिकुलर निकाला जाता है, गिराया जाता है अलग बेस पे, यहाँ पर वो मिलता है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, और यहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर निकलते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर के अंदर सर्कल जो है आपका ट्रेंगल के अंदर बनता है, और सर्कम सेंटर के अंदर ट्रेंगल के बाहर सर्कल बनता है। यहाँ पर ऑर्थो सेंटर की बात की गई थी। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अब जो बच्चों ने अप्रोच लगाई उसके बारे में मैं बताऊँगा। हथियार उनके पास सारे के सारे थे और वो क्या अप्रोच लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक बच्चा कहता है सर मैंने इसको चेक किया कि ये जो ट्रेंगल है राइट एंगल ट्रेंगल तो नहीं है। तो कहता है क्योंकि ये मैंने आपके कई नोट्स में से पढ़ा था, यदि कोई ट्रेंगल आपका राइट एंगल ट्रेंगल होता है और यदि वो राइट एंगल एट ए इक्वल टू 90 पे है तो ए ही आपका ऑर्थो सेंटर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो आपने चेक किया तो क्या आंसर आया। कहते ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं था, तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हथियार था उस बच्चे के पास और उसको अब कैसे करना था, उस बच्चे ने गड़बड़ कर दी। अब जो दूसरी बात उस बच्चे से पूछी गई, अब दूसरे बच्चे से पूछा गया कि आपने क्या किया, वो कहता है जी मैंने देखा कि यदि ये इसके वर्टिसिस यदि 1/a b/1/b c/1/c हो जाएं तो ऑर्थो सेंटर इसका जो है -ABC और -1/ABC हो सकता है। कहता है ये भी नहीं सूझा। तो अब मैंने तीसरे बच्चे से पूछा, तो जो बच्चा क्वेश्चन किया था ऑर्थो सेंटर निकालना था, तो वो कहता है जी मैंने ना इसका परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से गिरा दिया। तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर सकता था। एक बच्चा कहता है सर मेरे पास एक तरीका और आपने बताया था, और वो मेरे एक दोस्त ने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यदि आपने ऑर्थो सेंटर निकालना है तो एच इंटू, ये बहुत बढ़िया मेथड है, y2-y1-h1 और x2-x1, और जो h है वो हमारा होता है x1 x2 y1 y2, और नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है x1 x2 y1 y2। तो इस तरह भी ऑर्थो सेंटर आ सकते हैं। और इस तरह भी हमारे ऑर्थो सेंटर आ सकते हैं, लेकिन इस काम के अंदर बच्चा जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया हथियार है 11th क्लास के अंदर जो सबसे लास्ट के अंदर है, कि हम इन दोनों वर्टिसिस को ओरिजिन की तरफ शिफ्ट कर देते हैं जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाए। और जब हम एच वगैरह निकाल लेंगे, ऑर्थो सेंटर निकाल देंगे, तो उसको जो हमने काम सीधे किया था वही काम वहाँ पर रिवर्स कर देंगे, तो उससे भी हमारा
वो तो सेंटर आ जाएगा। तो आपको ट्रायंगल का ये तीन वे बताए गए कि ट्रायंगल का एरिया के की वैल्यू निकालनी थी तो कैसे निकालना है। अब दूसरा वे आपको ये बताया गया कि बच्चे ने जो बताया कि यदि आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए ही आपका होगा, वर्टिसेस इस तरह के थे नहीं थे जो इस तरह के हों। और चौथा तरीका, तीसरा तरीका आपका ये है कि ऑर्थो सेंटर निकालने का अल्टीमेट तरीका वो ये है। और बेस्ट तरीका इसको यदि हम ट्रांसलेट कर लें, मतलब अब सीसा में से टू सब्ट्रैक्ट कर दें और ऑर्डिनेट सिक्स ऐड कर दें तो ये हमारे ट्रायंगल जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो उसको ट्रांसलेट करना ही बेटर होता है, ठीक है। अब एक तरीका और हम सोचते हैं कि वो तरीका क्या हो सकता है। अब यहाँ से टू माइनस टू किया तो ये जीरो, तो ये भी बच्चों हमारा क्या आ गया, जीरो। और इधर टू हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो ये थ्री आ गया, और इधर टू सब्ट्रैक्ट किया था तो ये हमारा फोर आ गया, और ये हमारे वर्टिसेस आए थे टू कॉमा माइनस सिक्स, सिक्स ऐड किया था तो ये एट आ गया, और ये भी हमारा कितना आ गया, ये हमारा टू का, ये भी हमारा एट आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है या हम ट्रायंगल को आगे पीछे कर लें कोऑर्डिनेट में कुछ ऐड करके या अबसीसा में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जो ट्रायंगल चेंज होता है उसकी स्लोप में कोई फ़र्क नहीं आता, स्लोप वहीं की वहीं रहती है। यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट मुझे ये मिल गया है कि यहाँ पर ये 8 माइनस 8, ये दोनों जो ऑर्डिनेट हैं वो सेम मिल गए। तो इसकी जो आप इसको ए रख दो, इसको बी रख दो, इसको सी रख दो। ये जो आपका बी और सी है इसकी जो स्लोप है और ए डी परपेंडिकुलर की जो स्लोप है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप हमेशा इससे डिपेंड की जाती है, वो क्या होनी चाहिए, माइनस वन होनी चाहिए। और स्लोप आपको मालूम है कि राइज अपॉन रन वो हमेशा रो स्लोप होती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एट माइनस एट और माइनस फोर माइनस थ्री, यहाँ पर स्लोप क्या आ गई है, जीरो आ गई है। तो इसका मतलब AD की जो स्लोप होने जा रही है वो पक्की बात है, वो वन अपॉन जीरो होने जा रही है, जिसको हम लूज लैंग्वेज के अंदर में बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जो BC की अप्रोच है वो टेंडिंग टू जीरो है, और AD की जो स्लोप है वो आपकी जो होने जा रही है वो आपकी वन अपॉन, वो वाई एक्सिस वन अपॉन जीरो होने जा रही है। अब बच्चों इस ऑर्थो सेंटर को मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ। एक बच्चे ने और मुझे सोल्यूशन बताया, वो कहते हैं चार वर्टिसेस दे रखे थे, मैंने इसको जानबूझ के टू कोमा हाफ ले लिया, क्या ले लिया, कोमा हाफ, ताकि मैं चेक कर सकूं। और इधर भी पॉइंट आपने देखा था, बेसिकली यहाँ पर भी क्या आए थे, टू कोमा माइनस सिक्स आए थे, क्या आए थे, टू कोमा माइनस सिक्स। और इसके वर्टिसेस को यदि हम ना भी ट्रांसलेट करें तब भी काम चल जाता है। तो वो कैसे काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर के हमारा टू आया था तो टू कोमा माइनस सिक्स, फाइव कोमा टू और माइनस टू कोमा टू, तो यहाँ पर भी वही अप्रोच हमें मिल रही थी। तो एक तो टू कोमा माइनस सिक्स है, ये हमारा फाइव कोमा टू आया है, और ये जो आया हमारा माइनस टू कोमा टू आया, तब भी इसकी स्लोप क्या अच्छा जीरो है। अब इसकी स्लोप जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए थी, जीरो। तो एक्स जो है, रन जो है वो जीरो होना चाहिए था, तो रन क्या आ रहा है जीरो। तो वो कहता है यहाँ से मुझे ये मिल गया कि ये वाली स्लोप, ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन ही दोनों हो सकती हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है हम रूल आउट कर देते हैं। अब कहता है इन दोनों ऑप्शन में से मैं कुछ भी टिक कर सकता था। तो फिर मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि ये हाफ और माइनस हाफ हो सकता है, तो कहता है उसके बाद मैंने एसी की स्लोप निकाली, तो टू प्लस सिक्स और माइनस टू माइनस टू, तो ये आ गया एट अपॉन माइनस फोर, तो ये स्लोप आई थी टू। तो इसकी स्लोप जो होने वाली थी वो आपकी जो पॉइंट, इसकी जो स्लोप है ये मैंने हाफ, इसको एम भी ले लोगे तो बात बन जाएगी, हाफ माइनस टू और टू माइनस फाइव और इंटू टू, और ये इक्वल टू क्या आना चाहिए था, माइनस वन। तो वो इसको क्या कर रहा था बच्चों, सेटिस्फाइड कर रहा था। तो इस तरह ये पॉइंट्स क्या आ गए, टू कोमा हाफ। तो अब आप लोगों के सामने ऑर्थो सेंटर निकालने के इतनी सारी ऑप्शन रखी गई, तो आप लोगों ने मुझे एक बार फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले एक बच्चे ने चेक किया कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं, दूसरे बच्चे ने चेक किया कि वर्टिसेस इस तरह के तो नहीं हैं, वो तो सेंटर पता चल जाता है। नहीं तो अल्टीमेट मेथड और सबसे बढ़िया मेथड वो ये है कि वो तो सेंटर इस तरह निकाले जा सकते हैं, जो एच होता है वो एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू और ये डिटर्मिनेंट इस तरह करके। और पाँचवा तरीका ये था
कि इसके अंदर यहां पर दोनों के ऑर्डिनेट सेम नजर आ रहे थे, यहां पर स्लोप जो है वो आपकी जीरो नजर आ रही थी, तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन अपॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब एक्स के जो अब्सिसा का डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए, तो वो सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में नजर आ रहा था, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक हो सकती थी। अब ये जो हाफ आया वो ए सी की स्लोप निकाल दी और बी ओ की स्लोप निकाल दी, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, माइनस वन, तो उससे हमारे पास हाफ आ गया। तो अब आप लोगों ने बच्चों मुझे कॉमेंट करना है और मेरे पास एक व्हाट्सएप का नंबर है उस पर बताना है कि इसमें से कौन सी बेस्ट अप्रोच थी, क्योंकि आने वाले टाइम में ताकि बच्चों को इस वीडियो को देखकर और बाकी पता चल सके कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे आंसर्स निकालने हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9313788255 डॉक्टर सुनील चुग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस पर कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल से हम आउटपुट निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। थैंक यू।